अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी तो हमने थोड़ा सा गैप का डिस्कशन किया जी आपको क्या लगता है मेजर गैप क्या है हमारी JNK में? सर, जो मेजर गैप्स हैं वो ये भी है कि पेरेंट्स को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी सर, पेरेंट्स को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, उनको लगता है कि बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाएगा बिगड़ जाएगा, सिंगिंग में जाएगा बिगड़ जाएगा, डांसिंग में जाएगा बिगड़ जाएगा। उनको उस तरीके की अवेयरनेस नहीं है जैसी अवेयरनेस बाहर में, बाहर जैसे आप स्टेट्स में चल जाओ उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है। अब मैं ही जब खेलने जाता था तो बड़े लोग ऐसे होते जो बीच से बोलते हैं हाँ खेल के क्या ही उखाड़ लोगे। बाद बहुत सारे नेताओं ने टिप्पणियाँ की है ना, उसमें से एक टिप्पणी सामने आई कि ओलंपिक्स में जो हमारे खिलाड़ी जीतते हैं आफ्टर विनिंग उनको बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल सर, को बाद में फैसिलिटीज मिलती हैं, उस लेवल की फैसिलिटी चलो ना मिले बट अगर उसका 20% भी अगर पहले मिल जाए, जैसे उनको बाद में स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो वो अगर 20% भी पहले मिल जाए तो, यानी कि अगर हमारे जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जी अगर उन पर 20% फोकस भी किया जाए पहले जी, तो वो कह सकते हैं कि जो आज जितने अच्छे वो मेडल्स ला रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे ला सकते हैं। हाँ सर, उसमें कोई डाउट नहीं है, अगर उनको पहले वैसी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाए तो वो, अगर जैसे अभी थोड़े मेडल आ रहे हैं तो ये मेडल इंक्रीज हो सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस, मैं हूँ पुष्पिंदर सिंह। आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक कुमार जो कि बहुत बड़े अच्छे बॉक्सर हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक सर, आप बताइए। बहुत अच्छे। तो कैसा लग रहा है हमारे एरिया में आके? सर काफ़ी अच्छा एरिया है ये, मैं पहले कभी सांबा में आया नहीं, यहाँ से गुजरे काफ़ी बार हैं। अच्छा। बट यहाँ पे आना पहली बार हुआ है तो काफ़ी अच्छा लगा देख के एरिया में। आपने बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी बच्चों के इंटरव्यू लें, जो भी आगे न्यू टैलेंट है उसको ग्रो करने में उनकी हेल्प करें। क्या बात है सर, इनकी इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे नेशनल लेवल के बॉक्सर हैं लेकिन इनका काम आपको ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगा। विलेज लेवल के जितने भी स्पोर्ट्स में एक्टिव बच्चे हैं उनको ये हेल्प करते हैं एज अ नेशनल लेवल खेलने तक। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है रत्ता ऑर्गेनाइजेशन, क्लब है वो और फिटनेस क्लब भी है लेकिन उसमें इनकी कमाई का कोई प्रावधान नहीं है, है ना? जी ऐसा सर, ही जी जी। वहाँ से इनको एक रुपया भी कमाई का नहीं आता है, वो बिल्कुल फ्री है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं ये उसके ऑनर हैं, उसको चला रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटी सी एज में, अभी अगर मैं इनकी एज रिवील करूँगा तो आप लोग हंसने लगेंगे, ये सिर्फ 18 के हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे JNK को ऐसी पर्सनैलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे JNK में नीड है स्पोर्ट्स को एक्टिव करने की, आर्टिस्ट लाइन को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो सर आपको कैसा लगता है ये सब करके, उनके लिए हेल्प करके? सर एक अंदर से खुशी मिलती है ये सब करके, जबकि हम जब जाते थे स्टेडियम्स वगैरह में तो हमें काफ़ी चीज़ों, गांव से निकल के जाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि पैसा भी लगता है जाने के लिए, टाइम भी लगता है। तो मैं चाहता था कि जब मैं ये सब कर रहा था तो मैं तभी सोच लिया था कि जैसा मैं कर रहा हूँ, अगर मैं 10 किलोमीटर पैदल चल के रात को अपने गांव में आ रहा हूँ तो जो गांव के बच्चे उनको मैं खुद ही ट्रेन करूँ, उनको इतना स्ट्रगल करने की ना ज़रूरत पड़े जितना कि मैंने किया हुआ है। अच्छा, एक छोटी सी एज है आपकी जी, 18 की एज है जी, इतना कुछ मैनेज कैसे कर रहे हैं? अपनी स्टडी भी होगी जी, जी जी सर। आपका ये बॉक्सिंग का खुद का भी काम है जी और आप बच्चे भी देख रहे हैं जी, ये मैनेजमेंट कैसे है? सर मैनेजमेंट, जब दिल में कुछ करने की इच्छा हो तो मैनेजमेंट हो जाती है सर। तो जैसे कि मेरी जो डेली रूटीन रहती है, मैं सुबह 3:30-4 बजे के आसपास उठता हूँ और जी, और मैं 4 से 6 बजे तक मैं बच्चे तैयार करता था, प्रैक्टिस करवाता था उनको, उसके बाद 6 बजे के बाद 1 घंटे में मैं अपना तैयार होकर तो 7 बजे मैं स्कूल के लिए निकलता था। अच्छा। उसके बाद मैं 2 बजे तक स्कूल में रहता था, 2 बजे के बाद स्कूल से निकल के स्टेडियम खुद की प्रैक्टिस करने जाता था। अच्छा। वहाँ से घर पे आके फिर मैं स्टडीज़ के लिए, 2 घंटे सफिशेंट है मेरे अकॉर्डिंगली स्टडीज़ के लिए, अच्छे नंबर भी आ सकते हैं उसमें, अगर पढ़ने वाला बंदा हो तो 2 घंटे में भी वो कर लेगा, अगर नहीं होगा तो वो 10 घंटे भी बैठा रहेगा तो उसको कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद रात को 10 बजे या 11 बजे तक मैं पढ़ के तो उसके बाद मैं वापस से सो जाता था और फिर एक नए दिन की शुरुआत सेम ऐसे ही चलती थी। क्या बात है जी सर, मतलब कि मैनेजमेंट लेवल आपका सारा शेड्यूल्ड होता है। जी सर, वो बिल्कुल शेड्यूल्ड रहता था, वो पहले भी शेड्यूल्ड था जब मैं खुद खेलता था और आज भी वो बिल्कुल शेड्यूल्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई है। अच्छा जी, जैसे सुबह का पहले टाइम था 4 से 6 का, उसमें पहले मैं खुद प्रैक्टिस करता था तो उसमें अब मैं वो टाइम बच्चों को दे दिया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आई और ना ही ये मेरे को लगता है कि आगे आनी चाहिए। अच्छा जी सर,
अच्छा, आपको पता होगा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं जी वो आउट ऑफ जे एंड के काफ़ी अच्छा धमाल मचा रहे हैं जी सर, इवन कि आउट ऑफ कंट्री भी दिखा रहे हैं जी जी जी। आप किसी एक को जानते हैं? जी, सूर्य भानु प्रताप भैया जो हैं, क्या बात। तो वो उनको मैं जानता हूँ और वो इंस्पिरेशन, जितने भी हमारे जो मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हैं उनके लिए वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि हमें भानु भैया जैसा करना है। आप उनके जो वर्कआउट्स हैं आप वो उनके इंस्टाग्राम पे जाके भी देख सकते हो, हम सबके लिए वो एक इंस्पिरेशन ही है। भानु भैया उनके लिए जो भी है हमारे वही है, इंस्पिरेशन है हमारे लिए। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है, काफ़ी बार किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वो आगे भी ऐसे अच्छा करते रहे और जे एंड के का नाम स्पेशली रोशन करें और इंडिया का नाम रोशन करें सर। जब अभी लेटेस्ट उनका एक प्रोग्राम हुआ था आउट ऑफ कंट्री, सो जब उनका नाम प्रोनाउंस किया गया ना वहाँ पे, भानु प्रताप सिंह है ना, तो मतलब कि वो चीज आती है कि ये हमारे जे एंड के का बंदा, गूज़बम्स आते हैं सर ऐसा सुन के कि भानु प्रताप सिंह, तो ऐसा अपना अपना फील होता है कि हाँ, एक प्राउड भी होता है कि एक जे एंड के से निकल के बंदा अगर उस लेवल तक जा रहा है तो वो एक प्राउड की मूवमेंट रहती है। अच्छा, कैसा लगता है कि जब हमारे आर्टिस्ट हैं या फिर हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको लोग इतना फॉलो नहीं करते, उनको इतना प्यार नहीं देते? सर, इसकी रीज़न ये भी है कि जे एंड के में वो जो टांग खींचने वाला सिस्टम है वो थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। कोई किसी को अच्छा करता नहीं देखना चाहता सिवाय आपकी फैमिली के। आप अच्छा करोगे तो 10 बंदे होंगे आपकी टांग खींचने वाले और 10 में से 3 होंगे जो आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। और यही चीज़ है कि जो 10 में से 3 बंदे आपको सपोर्ट करने वाले होंगे उनको भी वो जो 7 बंदे दूसरे हैं ना वो भड़काएंगे कि ये ऐसे है वैसे है, तो उस चक्कर में भी लोग फॉलो करना थोड़ा कम समझते हैं। तो आर्टिस्ट का भी हमारे जैसा सेम है, उनको भी जे एंड के में इतना वो नहीं है। बिल्कुल। तो जैसा कि बाहर है, यहाँ के लोग बाहर के जैसे आर्टिस्ट है सिंगर है उनको फॉलो करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बट उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर हम पंजाब के आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो अगर हम ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपने जे एंड के वाले आर्टिस्ट को करेंगे तो ये भी एक दिन उस लेवल की इंडस्ट्री यहाँ पे बन सकती है। डोगरी इंडस्ट्री जो है वो भी उस लेवल तक जा सकती है क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है। बहुत आर्टिस्ट और पंजाब से अच्छे आर्टिस्ट मैंने खुद देखे हैं जे एंड के में, और यही चीज़ है कि जो भी है यहाँ पे अगर उन्हें सपोर्ट की जाए तो मेरे को लगता है वो पूरी दुनिया में झंडे गाड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी जे एंड के में इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वो मेन रीज़न है। जब डेवलप भी कैसे होगी कि अगर जे एंड के खुद के लोग ही उनको सपोर्ट करेंगे, बाहर का तो आगे करेगा नहीं, सबके पास अपनी अपनी इंडस्ट्रीज हैं। यूपी वाले साइड भोजपुरी है, ऊपर पंजाब में भी है, अब हरियाणा वालों की अपनी है अपनी इंडस्ट्री, नीचे चले जाओ वहाँ पे अपनी है उनकी साउथ वालों की। तो जे एंड के को जे एंड के वाले तो बाहर वालों को सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट जो बाहर वाले वो नहीं जे एंड के को सपोर्ट करने आएंगे, जे एंड के वालों को खुद को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, खुद को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर बाहर वाले इनको जब देखेंगे तो फिर वो इनका कल्चर भी समझेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी तो हमने थोड़ा सा गैप का डिस्कशन किया जी, आपको क्या लगता है मेजर गैप क्या है हमारे जे एंड के में? सर, जो मेजर गैप्स हैं वो ये भी है कि सबसे पहला जो मेजर गैप मेरे अकॉर्डिंग आप देखें तो वो है कि पेरेंट्स को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी सर, पेरेंट्स को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, उनको लगता है कि बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाएगा बिगड़ जाएगा, सिंगिंग में जाएगा बिगड़ जाएगा, डांसिंग में जाएगा बिगड़ जाएगा। उनको उस तरीके की अवेयरनेस नहीं है जैसी अवेयरनेस बाहर में, बाहर जैसे आप स्टेट्स में चल जाओ उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है। अब मैं ही जब खेलने जाता था तो बड़े लोग ऐसे होते जो बीच से बोलते हैं हाँ खेल के क्या ही उखाड़ लोगे, ये है वो, ओपनली मुँह पे बोलते थे लोग, ये एक होता है पीछे बोलना, ओपनली मुँह पे बोलते थे क्या ही उखाड़ लेंगे, ये है वो है। तो वो मेरे को लगता है सबसे बड़ा मेजर गैप है कि लोगों को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, और जो बच्चा कुछ करने जा रहा है उसके पेरेंट्स को भी रिलेटिव आके बीच में वो करेंगे कि नहीं जाने दो इसको पढ़ाओ, ये है वो है, तो उस वो मेरे को लगता है सबसे मेजर एक गैप हो सकता है। मुझे लगता है ये एक लाइन है ना कि पढ़ोगे लिखोगे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो मेरे ख्याल से ये जो इसको ज़्यादा जे एंड के लोगों ने सीरियसली ले लिया, सीरियसली ले लिया। तो मतलब आपके पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था कि नहीं? जी, पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है। पेरेंट्स को ये था कि उन्होंने एक ही चीज़ हमेशा बोली है कि अच्छा करेगा खुद के लिए करेगा, बुरा करेगा खुद के लिए करेगा। कल को हमें ये नहीं, अगर खेलने भी जाएगा तो कुछ भी होगा तो कल को जब बड़े हो गए ये तो हमें तो नहीं ये चीज़ बोलेगा कि
फॉर एग्जाम्पल हेल्प नहीं की या आपने मेरे को जाने नहीं दिया, तो मैंने भी उनका पूरा वो रखा है कि मैं जहाँ जाता हूँ मैं अच्छे से खेल के आता हूँ। उनका नाम भी वो रोशन किया है, और एक मेरे अंकल थे जिनका नाम चरणदास है, उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की कि नहीं खेलना। घर वालों को भी, घर वाले भी शुरू शुरू में थोड़ा डरते थे कि क्योंकि आपको पता है बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है कि इंजरीज के बहुत ज़्यादा चांस है। उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं है खेलो। फिर बीच में कुछ टाइम आया कि मेरे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मतलब जब परफॉर्मेंस नहीं आती तो बंदा डिप्रेस पे हो जाता है। तो फिर मेरी एक दोस्त थी, मेरी एक फीमेल दोस्त थी, उसने मेरे को बोला कि नहीं तू खेल, कोई इशू नहीं है। तो वो भी अभी तक मेरे टच में है। उसको भी मैं हमेशा यही, जिस भी इंटरव्यू में जाता हूँ मैं उसको स्पेशली मेंशन कर दूँ, क्योंकि जिस बंदे ने आपको किसी टाइम पे किया हो ना सपोर्ट, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। चैंपियनशिप भी करवाई तो उसमें भी मैंने उसको साथ में रखा हुआ था स्पेशली, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया मैंने कि इसने सपोर्ट किया। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, आप मेरे पुराने इंटरव्यूज भी देखो, उसका नाम मैंने मेंशन किया होगा हमेशा। क्या बात है जी सर। सो डियर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, टैलेंट जी, आप जानते हो टैलेंट क्या चीज़ है ना जी, कैसे एक्सप्लेन करते हैं टैलेंट को? सर मेरे अकॉर्डिंग टैलेंट ये है कि जो आपके अंदर से एक जुनून हो कुछ करने का, जैसे कि किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को डांसिंग में है। अब डांसिंग वाले बंदे को आप स्पोर्ट्स में ले आओगे तो वो उसका टैलेंट नहीं है, आप उसको जोर जबरदस्ती भी करोगे तो वो नहीं कर पाएगा। और जो डांस वाला है उसको स्पोर्ट्स में ले आओगे तो गलत हो जाएगा, और जो स्पोर्ट्स वाला उसको डांस में ले जाओगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। गलत है। बच्चे को, पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए कि तू डांस ही कर। अगर उसका स्पोर्ट्स में है तो उसको स्पोर्ट्स में जाने दो, अगर उसका डांस में है तो उसको डांस में जाने दो। बच्चे के ऊपर, टैलेंट के ऊपर प्रेशर ना डालो, बच्चे को खुद आइडेंटिफाई करने दो कि उसके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है। जी सर। अच्छा, ये जो टैलेंट है अगर इसको हमें परफेक्ट स्किल में चेंज करना हो तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? सर सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। क्या बात है। किसी भी टैलेंट को आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले डिसिप्लिन। मेरे अकॉर्डिंग डिसिप्लिन चाहिए। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, किसी को लगता है कि बंदे को अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अपॉर्चुनिटीज एक लास्ट चीज़ है। सबसे पहले चाहिए आपके अंदर डिसिप्लिन कि करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। अगर 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना ही है, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, 4 बजे उठना होना, सबसे पहले डिसिप्लिन। उसके बाद आप किसी से डिस्कस करें उस बारे में जिस पे आपको भरोसा हो, और उस बंदे को उस चीज़ की नॉलेज भी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं जब किसी फील्ड में, अभी जैसे मैंने 12th पास की तो मैं फील्ड चूज जब मैंने करनी थी तो मैं हर प्रोफेशन के बंदे से मिला, क्योंकि मैं आर्ट्स के बैकग्राउंड से था 12th से, तो आर्ट से जितने बन सकते थे, जितने आगे मैं कर सकता था उसमें मेरे कोर्सेज थे, तो मैं हर से मिला। मैं एडवोकेट से मिला, मैं आईपीएस ऑफिसर्स तक से मिला, फिर मैं स्पोर्ट्स वालों से मिला, स्पोर्ट्स वालों तो चलो थे अपने, फिर मैं उनसे मिला, फिर जिन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डिप्लोमास किया उनसे मिला, मतलब कि हर बंदे से मैं मिला कि आगे मेरे को क्या अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि मैं उनको अपने बारे में बताता हूँ, वो मेरे को एक डायरेक्शन दे देते हैं, और वो बता देते हैं कि अब मैं एडवोकेट से जैसे मिला, उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, एडवोकेट लॉ में आना अच्छा नहीं रहेगा, वो अभी चलो तू आ जाएगा तो बाद में थोड़ा वो कुछ मैच नहीं करेगा, तो उससे अच्छा है कि अलग चूज करो। उसने मेरे को अच्छे से समझाया और मैं समझ गया। क्या बात। एक आपको डायरेक्शन देने वाला बंदा होना चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन दे। उसके बाद आपको जब पता लग गया, आपको डायरेक्शन भी मिल गई, आप डिसिप्लिन भी हो गए, फिर आपको एक पंचुअलिटी लानी है। ऐसा नहीं कि टैलेंट पता लग गया, 4 दिन प्रैक्टिस की, 5वें दिन गायब। सबसे मेन चीज़ है ये, आपको पता लग गया कि मेरे में टैलेंट है, मैं डिसिप्लिन भी हूँ, मेरे को डायरेक्शन पता है, मैंने इस डायरेक्शन में जाना है। अब आपको वो चीज़ कंटिन्यूटी में करनी है, और आपको एक, वो बोलते हैं ना, गुरु चाहिए। और आपको अपने लिए गुरु ढूंढना है सबसे पहले। क्या बात है। जब गुरु मिल गया, तो जैसे गुरु मिल गया तो बस गुरु के, और मेरा हमेशा से यही रहा है, जो गुरु है उसको पेरेंट्स जैसा समझा। ये नहीं कि गुरु के साथ गुरु के जैसे और बाहर निकल के उसको 4 गालियां दे दी, नहीं। जो गुरु है उसको गुरु की तरह, कोई कुछ भी बोले उससे आपको नहीं मतलब होना चाहिए। जैसे आपके गुरु हैं उसके लिए कोई कुछ भी बोले आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जी सर। क्या बात है। यानी कि अगर बंदे को अपना टैलेंट को परफेक्ट एक स्किल में चेंज करना है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन में आना है, देन उसको एक गुरु फाइंड करना है, देन उसके साथ पंक्चुअल रहना है। बिल्कुल पंक्चुअल रहना है। और ये है कि एक ही गुरु रखना है, गुरु चेंज नहीं करना, उससे क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। हाँ, क्योंकि अलग अलग बंदे की अलग 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 थिंकिंग है, अलग अलग स्किल्स है, तो वो फिर मैटर कर जाता है वहाँ पे। क्या बात है। यानी कि अगर मेरे को मानना है, मान लो कि मेरे को कहीं पर एक्सेल करना है जी, तो मेरे को एक इस तरीके के रूट पर, प्लान पर वर्क करना पड़ेगा। जी जी जी, जो आपने बताया जी, बिल्कुल। तो अगर मैं वर्क करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं एक्सेल कर सकता। बिल्कुल सर,
एक चीज है जो बंदा डिसिप्लिन है, पंचुअल है, वो लाइफ में मेरे अकॉर्डिंगली कहीं मार नहीं खाएगा। क्या बात है, कहीं भी चले जाए वो, किसी भी फील्ड में चले जाए वो एक्सेल ही करेगा। हाँ अच्छा, हमने बात करी रत्ता ऑर्गेनाइजेशन जी, ये ऑर्गेनाइजेशन खोलने का कब प्लान था? ये सर, ये जब मैं जो रत्ता है, मैं पहले इसका थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। ये हमारी जो सब कास्ट होती है ये वो थी। सब कास्ट मीन्स? सब कास्ट मतलब कि जैसे एक जात आ गई, उसके अंदर एक और जाति आ गई। ओके ठीक है, ये वो थी। तो उसके बाद जैसे ये मेरे दिमाग में तब से ही था जब से मैं प्रैक्टिस करता था, वहाँ पे क्लब्स आते थे तो उनके अलग अलग नाम होते थे। रत्ता एक सब कास्ट है जी। ओके, मतलब रत्ता कोई मेरे ख्याल से, मैं सोच रहा था कि आर से कुछ होगा, ए से कुछ। नहीं 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 नहीं, ये सब कास्ट है, उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, सब कास्ट है सर। ओके, तो ये जब हमने सोचा कि हम, जब मैं नेशनल्स वगैरह लगाए तो मेरे को हो गया कि मैं गांव में बच्चों को करूंगा। फिर हमें हो गया कि एक, जब भी कुछ ऐसा करना हो तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन पहले प्लान करनी पड़ेगी, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। एक आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो मेरे बड़े ब्रदर हैं रोहित रत्ता, तो हमने ऐसे बैठे तो हमने बोला कि नाम प्लान करना है, कुछ सोचो। तो हम दो तीन दिन तक डिस्कस करते रहे, कुछ नाम कुछ नाम कुछ नाम, मतलब चलता रहा ऐसे सिलसिला। फिर लास्ट में हमने ये सोचा कि यार अगर हम रत्ता रख देते हैं, एक तो हमारी सब कास्ट की वो हो जाएगी, क्योंकि रत्ता आपको, आपने भी पहली बार ही सुना होगा। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। छोटी मतलब कि बोल सकते हैं कि जो मैं हूँ भगत कम्युनिटी से, भगत के बीच में ये मेरे को लगता है कि सबसे कम होंगे हम। तो उसने बोला कि एक ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा जो वो है वो प्रमोशन हो जाएगी हमारे, उसकी लोगों को पता लगेगा कि रत्ते भी एग्जिस्टेंस में हैं। हाँ, हमारे एक टीचर थे, मेरे ख्याल से वो हिंदी के टीचर थे 12th में, नीरू रत्ता। तो मेरे ख्याल से रत्ता वही सेम जी 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 शायद। तो वो होगा। तो फिर हमने नाम डिसाइड किया रत्ता। फिर हमने पहले रखा रत्ता बॉक्सिंग क्लब। फिर मेरे पास फिटनेस वाले भी आते थे, लड़के आते थे फिटनेस के लिए, या जैसे भर्तियाँ वगैरह होती, तो वो बड़े लड़के थे मेरे से, बट ये था कि इसको नॉलेज है, उनको ये था कि इसको नॉलेज है, ये करेगा बताएगा। फिर हमने चेंज किया रत्ता बॉक्सिंग एंड फिटनेस क्लब। ओके, फिर हमने एक ईयर तक हमने बच्चे तैयार किए, फिर हमने फर्स्ट चैंपियनशिप कराई। वो हमने मीडिया में भी इतना इंटरेक्शन नहीं दिया, और वो हमने ऐसे छोटी सी कराई, जो हमारे पास बच्चे थे उन्हीं का कंपटीशन करवाया अपने लेवल पे। अपने लेवल पे 100% फंडिंग अपनी। अच्छा हाँ, फिर हमने वो करवाई, हमने ये 2023 में करवाई, 22 में हमने ओपन किया, 23 में हमने करवा दी, 23 जून में करवाई हम, 26 जून को करवाई 23 में। ओके, उसके बाद फिर बच्चे हमारे गए, हम मेरा एक प्लेयर अभी हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो नेशनल खेल गया, स्टेट में मेरे काफ़ी प्लेयर गए, डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी गए, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल तीनों तक मेरे प्लेयर पहुंच गए। अच्छा, फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को फिर से आगे करना चाहिए। बच्चे तो मेरे पास प्रैक्टिस कर ही रहे थे। फिर जैसे अभी मेरे 12th के पेपर खत्म हुए तो मैं फ्री था, तो ब्रदर ने बोला कि सेकेंड चैंपियनशिप का क्या सीन है। ओके, तो हमने, मैंने बोला कि चलो करवा लेते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा है कि करवानी तो है ही, करवा लो। फिर हमने बोला चलो करवा लेते हैं। फिर वो शुरू किया, फिर हमने देखा कि बच्चे हमारे पास थोड़े हैं। हमने जो प्लान किया वो हमने किया कि हम बच्चों को फ्री टी शर्ट्स भी देंगे, ट्रॉफीज भी देंगे, मतलब कि अच्छे लेवल का करेंगे। हमने बाहर के एसोसिएशन वाले बुलाए अच्छे से। अच्छा, बाहर के एसोसिएशन वाले जो J&K थे उनको अच्छे से बुलाया, सबको बुलाया, सबके पास हम गए खुद। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, जैसे गौरव कुमार दुबे टग ऑफ वॉर के, किरण कुमारी है टग ऑफ वॉर में इंटरनेशनल प्लेयर, उनको बुलाया वहाँ पे कि बच्चों को मोटिवेट कर सके। तो फिर जो DC है, आपको पता होगा FC भगत DC, उनको हमने गेस्ट बुलाया वहाँ पे। तो फिर मैं फ्री में स्कूल्स में गया, वहाँ पे हमने फ्री में बच्चों को सिखाया, एक पैसा भी नहीं उनसे लिया। अच्छा, आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते जिसको शक होगा, एक पैसा तक नहीं उनसे लिया। और जैसे उनसे कोई पैसा नहीं लिया, ऐसे फी थी 500, जो रजिस्ट्रेशन फीस थी 500 थी, उसी में बच्चों का खाना पीना सब कुछ था, प्रॉपर टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ थी कस्टमाइज्ड। तो 500 फी थी। फिर देखो, अब हमें, हम भी गांव में रहे हैं, हमें पता है कि गांव का बंदा 500 अफोर्ड नहीं कर सकता। 500 जी सर, मैं आपके पहले वाले 500 में 5000 समझ रहा हूँ। नहीं सर, 500 जस्ट 500 जस्ट फी थी। तो फिर मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि 500 भी बच्चों के लिए ज़्यादा है। फिर हमने वो फी उठा के 350 की, उसमें क्या था, बच्चे की टी शर्ट थी, बच्चे का खेलना, इक्विपमेंट सारे हमारे, उसमें हमने पैलेस भी किया हुआ था, बच्चे का खाना पीना सारा वहाँ पे था, फुल डे स्टे था।
तो वहाँ पे अच्छा खासा हमने प्रोग्राम रखा हुआ था, नीचे मैटिंग थी कि कोई बच्चा गिर जाए उसको इंजरी ना हो, ग्राउंड पे ये सारा अच्छे से हमने मैनेज करके तो वहाँ पे फर्स्ट चैंपियनशिप जो हमारी सेकंड चैंपियनशिप थी ये करवाई। इसमें मेरे एक बड़े ब्रदर हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया, उनका नाम है जसविंदर पाल। उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा, जो सेकेंड थी चैंपियनशिप ये मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जो मैं बोलता हूँ कि ये पूरी उन्होंने करवाई है। उन्होंने देखा कि बड़े भाई थे, उन्होंने देखा छोटे भाई हैं, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने, हमने फर्स्ट टाइम उनको नहीं बताया, हमने बुलाया, ऐसे बुलाया कि भैया कंपटीशन आ जाना। उन्होंने लास्ट टाइम देखा था, उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम भी खर्चा हुआ था, सेकंड बार फिर से खर्चा कर रहे हैं, इनका तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा। उन्होंने बोला कि तुम करो, मेरी तरफ से जो हेल्प होगी मैं करूँगा। मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने 50% से ज़्यादा हमारी हेल्प की। ओके, 50% से ज़्यादा हेल्प। फिर एक अंकल है हमारे बलकार अंकल, उन्होंने भी थोड़ी सी हेल्प की। मतलब कि मैं ये था कि मैं नहीं किसी से हेल्प लूंगा, मैं 100% अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं 100% खुद से भी कर सकता हूँ। बलकार सिंह चाड़, मैं जानता हूँ उन्हें, आप जानते हो। तो उनसे मेरा हुआ, तो वो मेरी पहली चैंपियनशिप में भी थे, सेकंड में भी वो, उनको रखा हमने इवनिंग गेस्ट में। ओके, सुबह रखे जो FC बगैर DC थे उनको रखा सुबह, और शाम को रखा इनको। तो ये शाम को इन्होंने भी देखा कि काफ़ी वो हो गया है, मतलब कि दिखता है सामने की बंदे के कितनी एक्सपेंडिचर लगा। तो उन्होंने भी फिर थोड़ी हेल्प की, तो मतलब कि ऐसे करते करते हमारी सेकंड चैंपियनशिप भी होगी। मतलब कि रत्ता ऑर्गेनाइजेशन जो है जी, वो आपके लेवल पर आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सट्रीम लेवल पर लेकर गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें जो इन्वेस्टमेंट है जी, वो आपकी खुद की है और आपके परिवार की है। बिल्कुल बिल्कुल, वो परिवार की है और जिन्होंने जिन्होंने हेल्प की है वो सारे अपने परिवार के। क्या बात है, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना जिसमें से कोई प्रॉफिट ना हो, और एक ऐसे व्यक्ति का चलाना जिसकी एज मिनिमम अभी 17 से 18 हो, तो बहुत मुश्किल तो होता है। लेकिन देखा जाए अगर इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस चलें तो हमारे J&K के बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा। सर मैं जानना चाहूँगा ये कहाँ लोकेटेड है? सर ये लोकेटेड है फिंदड़ में। ओके, अभी जो हमारे पास है हमने फिंदड़ आरसपुरा में लोकेटेड है। तो जो हमने सेकंड फर्स्ट चैंपियनशिप करवाई थी वो हमने ऐसे ग्राउंड में करवाई थी, तो हमें लोगों ने ऐसे ताने बड़े मारे उसमें कि हाँ खेतों में करवा दिया है, ये है वो है, तो वो चीज़ भी हमें थोड़ी बुरी लगी। तो हमने सेकंड जो करवाई वो हमने पहले कर दिया था वहाँ पे। अच्छा। वो वहाँ पे ओपनिंग प्रॉपर किसी को भी होगा तो ये वीडियो अगर आप हो सके तो आप अटैच कर देना हमारी चैंपियनशिप की, तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है बच्चों। अच्छा। को फ्री 100+ बच्चे थे, 100+ में बच्चे थे, सबको टी शर्ट्स थी, सबको ट्रॉफीज थी, जो हारे उनको भी था। ये हो गया कि जो हारा उसको खाली नहीं भेजना, जो हारा उसके लिए भी कुछ ना कुछ था, उसके लिए भी हमने रखा हुआ था। फिर हमारे गेस्ट थे, कम से कम भी मैं बोल सकता हूँ 15 से 20 चीफ गेस्ट बुलाए थे मैंने। 15 से 20 चीफ गेस्ट 15 से 20 चीफ गेस्ट, 10 स्पेशल गेस्ट। अच्छा। 30 और उसमें भी लगा लो 7-8 ऊपर से आ गए होंगे, मतलब कि हम लेके चल सकते हैं कि 40 तक हमारे गेस्ट हो गए। सिर्फ गेस्ट थे 40 जो मेन गेस्ट होते हैं। उसमें इंटरनेशनल प्लेयर थे, साई कोचेस थे, फुटबॉल के थे, कबड्डी के, टग ऑफ वॉर के थे। क्या बात है। मतलब कि मेरा ये था कि सारे आ जाएं उस, तो एक हमारा जो एरिया, एक वो एरिया देखेंगे, एक जब हमारे बच्चे उनके पास जाएंगे तो वो भी थोड़ी वो करेंगे, खींच रखेंगे कि हम गए थे इनके पास। जी सर, यानी कि आपने वर्क किया है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, ये नेशनल लेवल के बंदे हैं लेकिन इनका जो काम है वो ग्राउंड लेवल पर देखा जा सकता है। तो ये बातें थी हमारे रत्ता ऑर्गेनाइजेशन की। मैं ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ हमारे दीपक कुमार भाई से, कि इन्होंने अपने लेवल पर ऐसी ऐसी चैंपियनशिप्स करवाई हैं जो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं समझना चाहूँगा आपसे सर जी, कि जो रत्ता ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे जो ये छोटे बच्चे हैं या जिस भी लेवल के बच्चे हैं उनको प्रोवाइड क्या क्या करती है? सर हमारा रहता है कि हम जो, जैसे कि आप किसी भी क्लब को देख लीजिए तो वो फ़ी चार्जेस होते हैं उनके, मंथली फ़ी चार्जेस या 6 मंथ फ़ी चार्जेस, तो हमारे कुछ भी फ़ी चार्जेस नहीं है। ओके, 100% फ्री जो हमारी ट्रेनिंग रहती है वो हम फ्री करवाते हैं। ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री। ओके, उसके बाद जब बच्चा खेलने जाएगा इक्विपमेंट सारा इक्विपमेंट हमारा, प्रैक्टिस के टाइम भी इक्विपमेंट हमारे। ओके, उसके बाद जब उसकी सिलेक्शन हो जाएगी तो वहाँ से उसका अपना सफ़र शुरू हो जाता है और वो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सारी चीज़ें हो जाती है। क्या बात है। बिल्कुल, यानी कि विलेज से गवर्नमेंट तक का हैंड ओवर मेरे पास है, आगे बच्चे का अपना है। बिल्कुल नहीं, आगे तो गवर्नमेंट खुद ही, आगे तो गवर्नमेंट संभाल लेगी, मतलब कि बच्चा पहुंच गया किसी लेवल। अच्छा, देखिए आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं जी, अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी
मर्ज होंगे तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अभी जब हमारा एक बजट लॉन्च हुआ जी जी। आपने सुना ही तो होगा जी जी है ना? जी। तो उस बजट के बाद बहुत सारे नेताओं ने टिप्पणियाँ की है ना, उसमें से एक टिप्पणी सामने आई कि ओलंपिक्स में जो हमारे खिलाड़ी जीतते हैं आफ्टर विनिंग उनको बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाता है, आफ्टर विनिंग उनको जॉब दी जाती है, उनको मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन विनिंग से पहले उनकी जो इज्जत है ना, एक मैं इज्जत की बात करता हूँ, उनको कोई भी नहीं पूछता। रियलिटी है सर ये रियलिटी है, रियलिटी है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? जैसी उनको बाद में फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस लेवल की फैसिलिटी चलो ना मिले, बट अगर उसका 20% भी अगर पहले मिल जाए, जैसे उनको बाद में स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो वो अगर 20% भी पहले मिल जाए तो जो प्लेयर्स हैं कुछ, देखो प्लेयर बनने वही आएगा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। हाँ अच्छा। इसमें ये चीज़ हम बोल सकते हैं, खासकर जो अपनी गेम्स हैं जैसे कि बॉक्सिंग होगी, इसमें गरीब बंदा ही आएगा। अच्छा। अमीर का बेटा कभी नहीं चाहेगा, ना अमीर चाहेगा, ना अमीर का बेटा चाहेगा कि मैं लड़ूं और मारूं। सर ऐसा इसलिए बोल सकते हैं हम कि जो थोड़े अमीर घर के बच्चे होते हैं, आप खुद देखिए वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ओके, वो ऐसी गेम्स में आना पसंद नहीं करते, वो कुछ क्रिकेट में जाएंगे या बाकी गेम्स में जाना, किसी को भी अपना नाक तोड़वाना पसंद नहीं, बिल्कुल वो किसी को भी मार खाना पसंद नहीं। और अगर वो कराटे वगैरह भी खेलेंगे तो कराटे में भी आपको पता होगा वो टचेज होते हैं, बहुत ज्यादा टचेज होते हैं, उसमें लगती नहीं है, वो सिर्फ टच एंड पुल बैक बोलते हैं उसको, पुल बैक्स होते हैं, इसमें तो प्रॉपर चलती है फाइट। इसमें वही आएगा जिसको मार खाने का थोड़ा बहुत शौक, जिसको इंटरेस्ट भी होगा और जिसकी अपनी थोड़ा बैकग्राउंड भी ठीक ठीक होगा। हाँ। ज्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते, ज्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, मतलब कि बीच वाला होगा, यानी कि जिसको पैशन होगा किसी चीज में वो आ सकता है, बिल्कुल पैशन वाला ही आएगा इसमें। हाँ। अपने शौक से कोई नहीं आएगा। हाँ। या जिसको इंटरेस्ट होगा, एक होगा ना कि देख के आ गया कि हाँ वो देख कर कोई नहीं आ सकता, देख के कोई नहीं आएगा, और ना ही किसी के घर वाले देख के उसको जाने देंगे। ओके क्या बात है, बिल्कुल सर। तो यानी कि अगर हमारे जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जी, अगर उन पर 20% फोकस भी किया जाए पहले जी, तो वो कह सकते हैं कि जो आज जितने अच्छे वो मेडल्स ला रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे ला सकते हैं। हाँ सर उसमें कोई डाउट नहीं है, अगर उनको पहले वैसी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाए तो वो, अगर जैसे अभी थोड़े मेडल आ रहे हैं तो ये मेडल इंक्रीज हो सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। तो ये जो हमारा फंड आता है गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, वो कितना होता है आपको पता है? सर एक्चुअली मैं उस चीज़ में नॉलेज नहीं रखता, पॉलिटिक्स में मैं घुसना खुद पसंद नहीं करता। तो ये पता कितना होता है? जितना हाथी के मुंह में जीरे बराबर। एक्चुअली हमारे एक स्पोर्ट्स टीचर होते थे, तो हमारे स्कूल की बात मैं बता रहा हूँ आपको, हमने उनसे वॉलीबॉल मांगा था तो उन्होंने हमें फटे हुए 4 वॉलीबॉल दे दिए थे। उन्होंने कहा बाहर से सिलवा लो। मैंने कहा सर आपके पास फंड आता है इसका इस्तेमाल करिए, हाई सेकेंडरी लेवल का स्कूल है हमारा, इसका इस्तेमाल करिए और हमें वॉलीबॉल दीजिए, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट होता था अपने टाइम में, स्टूडेंट मैं काफ़ी तगड़ा हूँ। टीचर्स को मैं मतलब कि अपने साथ रखता था, चाहता था कि वो हमारे साथ खड़े रहें। तो मैंने उनको बोला भाई आप फंड का यूज़ करिए, तो उन्होंने हमें रजिस्टर खोल के दिखाया, ये देखो 381.85 पैसे इतने मिले हमें। तो इवन कि वो पैसे का भी हिसाब रखते थे। होता है सर बजट, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ है उस पर रिस्ट्रिक्शंस तो होती हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारे इस वीडियो के माध्यम से, पॉडकेयर प्लस के माध्यम से, अगर तो एडमिनिस्ट्रेशन तक थोड़ी सी आवाज़ पहुँचती है, उनके कानों में थोड़ी सी भी जू रेंगती है, तो हमारे स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं उनका फंड इंक्रीज़ करो, क्योंकि हमारे स्कूल लेवल से जब स्पोर्ट्स मैन निकलता है तो उसको पैसा चाहिए भाई, बिल्कुल। उसको डाइट भी चाहिए, उसको ट्रेनिंग भी चाहिए, उसको इक्विपमेंट्स भी चाहिए, उसको वर्दी भी चाहिए, इवन उसको शूज़ भी चाहिए जो वो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर सकते। जी सर, ये जब आप नेशनल लेवल के लिए जाएं तो जब आपकी स्टेट में सिलेक्शन होती है उसके बाद ये इक्विपमेंट्स वगैरह जैसा आपने बोला जर्सीज वगैरह वहाँ पे मिल जाती है उनको, वो कोई इशू नहीं है। जब आप नेशनल खेल गए हैं तो उसके बाद स्कॉलरशिप्स होती हैं, स्कॉलरशिप वगैरह भी आपको मिल जाती है वहाँ। जी सर क्या बात है। तो मज़ा आया दीपक कुमार जी के साथ बात करके, मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें क्लियर हुई। हमारे जो लोग हैं उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर गई होगी कि एक 17-18 साल का बच्चा अगर आपके लिए इतना कर रहा है तो आपको भी बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना है यार। इनकी हेल्प करें। आपने बताया मेरे को आरएसपुरा में इनका रत्ता ऑर्गेनाइजेशन एंड फिटनेस क्लब है, वो वर्किंग है, एंड उसमें हेल्प करें क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो
बहुत अच्छा लगा दीपक कुमार भाई के साथ बात करके। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें, इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई, इतना कुछ हमारे लोगों को पता चला, स्पोर्ट्स के बारे में पता चला। मैं चाहूँगा कि आप लोग इनकी रत्ता ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करें, क्योंकि उससे काफ़ी बच्चों की हेल्प हो सकती है। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा सर? सर यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, आप काफ़ी कोऑपरेटिव हो आप। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा पोड केयर प्लस का कि भैया ने मेरे को यहाँ पर इन्वाइट किया आज, और हम इतने अच्छे से बात कर पाए, और बायो जैसा अब तो रिलेशन बन ही गया हमारा, पहले अजनबी थे अब बायो जैसा बन गया। कोशिश रहेगी कि हमेशा साथ रहें, साथ मिलके काम करें, आगे आगे साथ मिलके काम करें। बिल्कुल सर। हाँ, सो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए अलविदा, एंड मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड आने से पहले पहले इस एपिसोड को बहुत सारा प्यार मिले। और ये एपिसोड कोई ऐसा वैसा एपिसोड नहीं है, नेशनल लेवल प्लेयर बॉक्सिंग के हैं ये, और इनको नेशनल लेवल का प्यार मिलना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी आप पर है, आपके ऊपर छोड़ दी है। वीडियो को शेयर करें, दबा के शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले एपिसोड।